₹0 lakh की मिल जाती है, और अगर आप इसमें ड्यूल टोन वेरिएंट खरीदते हैं तो ₹20,000 आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। हर किसी गाड़ी की तरह इस गाड़ी में आपको 2-3 वेरिएंट्स नहीं मिलने वाले हैं, इस गाड़ी को सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी हुंडई की पहली इलेक्ट्रिक कार तो है ही, और साथ ही में ये इंडिया की सबसे पहली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी भी है। हुंडई ने इस गाड़ी के प्रोडक्शन के लिए अपने चेन्नई प्लांट में 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। शुरुआत में तो इस गाड़ी की 1000 यूनिट्स को ही बनाया जाएगा, उसके बाद डिमांड के हिसाब से इस गाड़ी का प्रोडक्शन किया जाएगा। हुंडई ऐसा टारगेट लेकर चल रहा है कि हर महीने इस गाड़ी की कम से कम 50 यूनिट्स बिकनी चाहिए। हाल फिलहाल शुरुआत में इस गाड़ी को 11 शहरों के 15 डीलर्स के पास लॉन्च किया गया है। हर किसी शहर में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर समय के साथ डिमांड बढ़ती है तो इसे बाकी शहरों में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हुंडई ने ये भी अनाउंस किया है कि 2025 तक हुंडई ऐसी 44 कार्स को लॉन्च करने वाला है जो कि इको फ्रेंडली होंगी। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसमें इंजन की जगह बैटरी मिलती है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी में दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, एक है 39.2 किलोवाट आवर की बैटरी और दूसरी है 64 किलोवाट आवर की बैटरी। 64 किलोवाट आवर की बैटरी काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी टॉर्की भी है। 201.2 bhp की पावर जनरेट करती है और 395 nm का टॉर्क, और साथ ही में इस गाड़ी की रेंज भी ज़बरदस्त है। एक बार फुल चार्ज करने पर 64 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ हुंडई कोना मैक्सिमम 557 किलोमीटर तक चल सकती है, और दूसरी बैटरी है 39.2 किलोवाट आवर की जो कि 134.14 bhp की पावर जनरेट करती है और 395 nm का टॉर्क। एक बार फुल चार्ज करने पर इस बैटरी के साथ हुंडई कोना मैक्सिमम 452 किलोमीटर तक चल सकती है, और इसी बैटरी के साथ 39.2 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ ही इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है। मतलब कि इंडियन कोना में आपको 64 किलोवाट आवर की बैटरी का ऑप्शन नहीं मिलता। इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें से ज़्यादातर में 20 किलोवाट आवर के अंदर ही बैटरी मिलती है, लेकिन इसकी बैटरी बड़ी है, पावरफुल है और टॉर्की भी है, और उसकी रेंज भी ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है, मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव का कोई भी ऑप्शन नहीं है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ 9.7 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ये गाड़ी काफ़ी पावरफुल है। थर्ड पॉइंट, चार्जर की बात करते हैं तो इस गाड़ी के साथ आपको दो तरह के चार्जर मिला करेंगे। एक तो होगा स्टैंडर्ड 2.8 किलोवाट पोर्टेबल चार्जर। ये चार्जर हुंडई कोना को फुली चार्ज करता है 19 घंटों में। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ आपको एक और चार्जर मिलेगा, 7.2 किलोवाट एसी वॉल चार्जर। ये चार्जर पोर्टेबल नहीं होगा, इसे आप अपने घर में या कहीं पर भी फिट कर सकते हैं और वहां से हुंडई कोना को चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जर कोना को फुल चार्ज करता है 6 घंटे 10 मिनट में। इन दोनों चार्जर्स के अलावा हुंडई आपको कोना को जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए डीसी फास्ट चार्जर्स भी अवेलेबल करवाएगा, लेकिन सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पर। ये फास्ट चार्जर हुंडई कोना को 57 मिनट्स में, मतलब कि करीब करीब एक घंटे में 80% तक चार्ज कर सकता है। इन फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को बनाने के लिए हुंडई ने इंडियन ऑयल के साथ कोलैबोरेट किया है। शुरुआत में ये फास्ट चार्जिंग स्टेशंस आपको कुछ सिलेक्टेड सिटीज में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हुंडई कोना को हुंडई कोना से भी चार्ज किया जा सकता है, मतलब कि एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से भी चार्ज किया जा सकता है। इस गाड़ी के साथ जो पोर्टेबल चार्जर मिलता है उसको हमारे घरों में लगी हुई 3-पिन में आसानी से लगाया जा सकता है, उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी की लेंथ है 4180 mm, विड्थ 1800 mm, हाइट 1570 mm और व्हील बेस है 2600 mm। ये गाड़ी आपको बाहर से देखने में थोड़ी बड़ी जरूर नज़र आ रही होगी, लेकिन इस गाड़ी के कैबिन के अंदर उतनी स्पेस नहीं मिलती, स्पेशली इसके रियर कैबिन में। हुंडई की जो ऑफिशियल पिक है रियर कैबिन की, उसमें भी ये तीन लोग कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे।
हुंडई को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए था कि 25 लाख रुपए की गाड़ी में 5 लोग भी कंफर्टेबली क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। इंडिया में जिस कोना को लॉन्च किया गया है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ की रोड्स की वजह से थोड़ी बढ़ा दी गई है कंपेरेटिवली उसके जो कि ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की गई है। फिफ्थ पॉइंट, सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी में फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स विद फोर्स लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। इसके अलावा इस गाड़ी में वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम भी दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो इसके सामने जो भी लोग आते हैं तब ये इंजन थोड़ी साउंड क्रिएट करता है ताकि उनको पता चल सके। सिक्स्थ पॉइंट, इस गाड़ी की डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्लोज्ड ग्रिल्स मिलती हैं। नॉर्मली गाड़ियों में ग्रिल्स जिस तरह से दी हुई जाती हैं वैसी ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। इन क्लोज्ड ग्रिल्स के ठीक नीचे एयर रेजिस्टेंस को कम से कम करने के लिए एक्टिव एयर फ्लैप्स दिए हुए हैं। इस गाड़ी को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल में आजकल जिस तरह का फैशन चल रहा है सबसे ऊपर LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी हुई हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और उसके ठीक नीचे LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स नहीं मिलते। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए एरोडायनेमिक 17 इंच एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। हीटेड ORVMs दिए गए हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल भी हैं। फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन दी गई है, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, बी और सी पिलर ब्लैक कलर के हैं। इसके अलावा विंडो लाइनिंग भी ब्लैक कलर की ही दी हुई है। क्रोम डोर हैंडल्स इसमें नहीं मिल पाते हैं, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा नीचे बॉडी क्लैडिंग्स दी हुई हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त और स्पोर्टी लगती है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है। सबसे ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स हैं, रियर वाइपर है, LED टेल लैंप्स दिए हुए हैं और उसके नीचे रियर फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल की तरह रियर प्रोफाइल में भी ब्लैक कलर्ड बम्पर मिल जाता है जिसमें सिल्वर स्किड प्लेट्स भी दी हुई हैं। इंटीरियर की बात करते हैं तो इस गाड़ी में कम्प्लीटली ब्लैक थीम इंटीरियर मिलता है। आप अगर ध्यान दे रहे हो तो इस गाड़ी में ब्लैक कलर का काफ़ी यूज़ किया गया है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है विथ USB ऑक्सन कंपेटिबिलिटी, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकॉग्निशन। इसके अलावा इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं। एक तरफ हुंडई ने अपने 10-12 लाख के प्रोडक्ट हुंडई वेन्यू में ब्लू लिंक जैसा एडवांस्ड फीचर दिया हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ 25 लाख के प्रोडक्ट में वो फीचर नहीं है। 7th पॉइंट, इस गाड़ी में आपको फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं। लगभग हर किसी गाड़ी में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के अलावा इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो हेडलैम्प्स, लेदर सीट्स, 10-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, सनरूफ, ड्राइविंग मोड्स इको, इको प्लस, कंफर्ट और स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, पैडल शिफ्टर्स फॉर एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, ऑटो डिफॉगर, अंडर सीट रियर वेंटिलेशन डक्ट्स। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये फीचर्स कम हैं या फिर ज़्यादा ये आप लोग खुद तय कर लीजिएगा। 8th पॉइंट, बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए हुंडई इस गाड़ी के साथ आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर देता है और साथ ही में 24/7 रोड साइड असिस्टेंस भी। इसके अलावा इस गाड़ी में मिलने वाली बैटरी के साथ आपको 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी मिलती है। जिन डीलर्स के पास इस गाड़ी को हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है वहाँ पर इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए स्पेशल मैनेजर्स को अपॉइंट भी किया गया है। 9th पॉइंट, हुंडई ऐसा क्लेम करता है कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी कम होने वाला है। इस गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट है वो एक पेट्रोल कार के कंपेरिजन में 1/5 है। 10th पॉइंट, इस गाड़ी को 4 कलर ऑप्शन